डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? आपको साइंस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स और बहुत छोटी फिगर्स का सामना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लें, बहुत बड़ा है। एटम के साइज की बात कर लें, बहुत छोटा है। आपको बार बार इसको लिखना पड़ता है तो इसमें बहुत सारी जीरो आती हैं, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो हम उसका आसान हल निकालते हैं प्रीफिक्सेस के जरिए। प्रीफिक्सेस बेसिकली होते क्या हैं? प्रीफिक्सेस बेसिकली वर्ड्स और लेटर होते हैं जिनको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे पास मिली, गीगा, माइक्रो, नैनो, एटीसी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली दो लफ्जों से मिलकर बना है। प्री फिक्स, प्री का मतलब होता है पहले आना, और फिक्स का मतलब होता है जोड़ना। यानी ये वो वर्ड्स और लेटर होते हैं जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले जोड़ते हैं, तो इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली, इनकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो प्रीफिक्सेस आर द प्रीसीडिंग फैक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटीज को या बहुत छोटी क्वांटिटीज को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के साथ लिख रहे होते हैं, तो उसमें आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले एक वर्ड या लेटर ऐड कर देते हैं, जिससे उसको पढ़ने में आसानी होती है, उसको लिखने में आसानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी फिगर्स को और बहुत छोटी फिगर्स को लिखना और पढ़ना इंतहाई मुश्किल काम होता है। जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लें, मैस ऑफ अर्थ की बात कर लें, या बोस स्मॉलर साइज में एटम की साइज की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके मैस की, इनके साइज की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत स्मॉलर हैं। अब बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज को और बहुत लार्जर क्वांटिटीज को न सिर्फ पढ़ना मुश्किल होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसको लिखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वहां हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वर्ड्स और लेटर होते हैं जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट्स के अंदर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्रीफिक्सेस आर द प्रीसीडिंग फैक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये वो लफ्ज होते हैं जो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली दो पार्ट हैं इसके इसके प्रीफिक्सेस में, प्री प्लस फिक्स, इनसे मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है पहले आना और फिक्स का मतलब होता है जोड़ना। तो क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, इसी निस्बत से हम इसको कहते हैं प्रीफिक्सेस। चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास ये फिगर इसकी लिखी हुई है, तकरीबन 64 लाख मीटर के इक्वल होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस 64 लाख मीटर को लिखना हमारे लिए बार बार ये जीरो, 4 से 5 जीरो को लिखना मुश्किल होता है, इसको पढ़ना भी मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे पास आता है 6.4 × 10⁶ मीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 10⁶ यानी 10 की इस पावर को हम किसी वर्ड या लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास, मैंने कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं यहां पर साइड पे, बाकी मैं सारे प्रीफिक्सेस टेबल जो है वो शो करूंगा वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं और उनको किस 10 की पावर के इक्वल लिखा जाता है। यहां पे हमारे पास कुछ मेंशन है प्रीफिक्सेस, इसमें 10 की पावर 6 अगर हो तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम बनता है मेगा। तो यहां पर बजाय से हम 64 लाख मीटर लिखे, हमने सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया, 6.4 × 10⁶ मीटर बना। अब ये जो 10⁶ है, ये क्योंकि मेगा को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसकी जगह पर मेगा लिख देंगे, कैपिटल एम। अब हम बहुत आसानी से इसको पढ़ेंगे, 6.4 मेगामीटर, जबकि पहले इसको पढ़ने के लिए हमें दिक्कत हो रही थी 64 लाख मीटर। अब यहां पे हम कैसे पढ़ेंगे, 6.4 मेगामीटर। तो इस तरह हमें इन प्रीफिक्स की वजह से बहुत आसानी होती है बहुत बड़ी फिगर्स को लिखने में। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो वो हमारे पास ये इतनी बड़ी फिगर आती है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर का डिस्टेंस है हमारे पास, 38 करोड़ 40 लाख मीटर। अगर मैं इसमें कोई और प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाहता हूं, जैसे हमारे पास गीगा भी है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि गीगा 10⁹ होता है, तो मैं इस पॉइंट को यहां से 9 स्टेप मूव कराऊंगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6, 7, 8 और 9।
यहां पर पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं, इसलिए मैंने यहां पर जीरो लगा दिया, 0.384 मल्टीप्लाई बाय 10^9। अब 9 मेरे पास क्या है, 9 मेरे पास अगेन प्रीफिक्स है जिसको हम कहते हैं गीगा। 9 अगेन हमारे पास इक्वल टू है वो गीगा होता है, तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 0.384 गीगा मीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस नंबर को। प्रीफिक्स का जो टेबल है वो हमारे सामने ये शो है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सारे के सारे जो है वो प्रीफिक्सेस भी दिए गए हैं, उनकी पावर भी दी गई, 10 की किस पावर के इक्वल होते हैं, इसके साथ साथ उनका सैम्बल भी दिया गया है, तो हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स किसके इक्वल है।